लहरपुर में एक बार फिर बस यूनियन और ई रिक्शा यूनियन के कर्मचारियों के बीच घमासान शुरू हो गया है। कहीं ना कहीं विवाद की घटनाएं सामने आई हैं। ई रिक्शा यूनियन के महामंत्री अजीत हमारे साथ मौजूद हैं, जो किसान नेता भी हैं और उनकी जो रिक्शा चालकों की समस्याएं हैं उनको लेकर एक जल्द बैठक करने वाले हैं। पूरा क्या मामला है हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इतने दिनों तक मामला जो शांत रहा है एक बार फिर क्यों मामला गर्मा गया है और समस्याएं रिक्शा चालकों के बीच पैदा हो गई हैं। सबसे पहले आपका और आपके चैनल का स्वागत है। मेरा नाम अजीत कुमार वर्मा है और मैं राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन का मंडल अध्यक्ष भी हूँ और सेवा रिक्शा यूनियन का महासचिव हूँ। देखिए मेरे संज्ञान में जो आया जो मैं देख भी रहा हूँ, क्योंकि मैं एक बात हम बताइए हमको बताइए कि अभी तक मामला शांत था रिक्शा चालक और बस यूनियन के बीच में, फिर अब विवाद की स्थिति क्यों पैदा होने लगी? देखिए विवाद की स्थिति हमारी तरफ से तो कोई विवाद नहीं है। विवाद की स्थिति तो एक उप जिला अधिकारी थे अनुपम मिश्र जी, उन्होंने एक विवाद यहाँ पैदा कर दिया। उन्होंने एक आदेश पारित कर दिया था कि जो रिक्शा है वो 5 किलोमीटर के दायरे में चलेंगे, तो उन्होंने वो तहसील लहरपुर के SDM थे, लेकिन उन्होंने जो आदेश पारित किया था वो लखीमपुर का, सीतापुर का, बाराबंकी और लखनऊ हरदोई तक आदेश पारित कर दिया था। उसके बाद में मैंने जनसूचना के अधिकार के तहत जो मैंने कुछ मांग उनसे पूछे क्वेश्चन, उसमें वो सारी चीज़ें उनकी खंडित हो गई थी, उनका खंडन कर दिया था RTO विभाग ने। अब चूँकि ये लोग गुंडई पे उतारू हैं, जितने रिक्शा वाले हैं वो इस बिस्वा तिराहे गेट के पास में, चाहे वो सीतापुर रोड पे हों या बिस्वा जा रहे हों, उनको जो है जाने नहीं दिया जाता है, सवारियां नहीं लादने दी, बैठाने दी जाती हैं। क्यों क्यों नहीं जाने दिया जाता, क्या वजह? ये तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो कहते हैं कि हमारी जो है बस जो है वो हम टैक्स देते हैं, हमारा परमिट बना है और हमारा घाटा आ रहा। तो भाई आपका घाटा आ रहा, इसके लिए रिक्शा थोड़े जिम्मेदार है, ना रिक्शा चालक जिम्मेदार है, ना तो रिक्शा यूनियन जिम्मेदार है। उसके लिए आपका घाटा आ रहा तो आप बस बंद कर दीजिए भाई, आप किसी चीज़ में आपका नुकसान हो रहा है तो आप बंद कर दीजिए। वो कह रहे हैं कि हम टैक्स दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप टैक्स दे रहे हैं, हम भी रोड टैक्स देते हैं और हमारा भी रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन फीस देते हैं, रिक्शाओं के बीमा होते हैं, वो तमाम चीज़ें देते हैं। इनका यहाँ पर बस अड्डा भी नहीं है, बिस्वा तिराहे गेट पर बस का कोई बस अड्डा नहीं है, फिर भी यहाँ पे ये बसें रुकते हैं। उसके बावजूद आज 25-30 लोग बैठ करके डंडे लेकर के गुंडई कर रहे हैं, तो लहरपुर प्रशासन को शायद दिखाई ना दे रहा हो या लोगों ने अभी तक आवाज़ नहीं उठाई, लोगों के समझ में था कि शायद आजकल में निपट जाए ये कह रहे हैं, लेकिन आज वो स्थिति पैदा हो गई है कि रिक्शा चालकों के परिवार जो भुखमरी पर आ गए हैं, क्योंकि रिक्शा वाला 200-300 बड़ी मुश्किल से कमा पाता है जब पूरा दिन रिक्शा चलाता है, इतनी सवारियां भी नहीं है क्षेत्र में, रिक्शा बहुत काफ़ी है आपको भी पता है, तो ज़्यादा ज़्यादा 250-300 रुपये कमा पाता है। ये लोग क्या काम किए हैं, मैं तो सीधे आरोप क्या लगाऊंगा, मैं तो सीधे कह रहा हूँ, लहरपुर से लेकर के RTO ऑफिस तक सारे अधिकारी बिके हुए हैं। बस यूनियन के लोग खुद मुझसे कह रहे थे या जो मैनेजर लोग हैं ये कह रहे थे कि जो है हम RTO साहब से बात हुई है, उनसे सब बात कर लेंगे और कुछ नहीं होगा। तो ये तमाम चीज़ें मिलाकर ये कहना है कि जो ये चल रहा है इस समय माहौल गहमागहमी का, अब आपकी तरफ से क्या किया जाए? देखिए कल हमारी एक 10 बजे लहरपुर गेट के पास में जो ईदगाह वाली बाग है उसमें सारे रिक्शा चालकों की बैठक होगी। कितने लोग लगभग शामिल होंगे? मैंने तो सारे रिक्शा चालकों का आह्वान किया, सारे रिक्शा चालक आएंगे उम्मीद पूरी है, लेकिन जितने आते हैं उनसे मेरी बैठक होगी, क्योंकि चूंकि अभी आपातकालीन बैठक बुलाई गई है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, उनसे बात करेंगे और जो है कल उस बैठक में जो भी निर्णय होगा वो हम लोग करेंगे, क्योंकि वो तो बैठक करने के बाद ही पता चलेगा कि हमें आगे की रणनीति। बैठक के बाद कोई ज्ञापन वगैरह भी नहीं? कल संडे है, कल तो कोई ज्ञापन होगा नहीं, लेकिन हाँ सोमवार को जो है हम लोग एक अपना ज्ञापन जो है उप जिलाधिकारी महोदय लहरपुर को सौंपेंगे। और चूंकि मैं कल LI वालों को भी बता दूंगा, चूंकि आज भी अभी मेरी मैं उनसे जो भी मेरी कल की बैठक है मैं उनको सूचना दे दूंगा, ये उनकी जिम्मेदारी हो जाएगी। भाई हमें तकलीफ आज है तो हम आज अपनी समस्या का निदान कराने के लिए भाई हम कल करेंगे, भूख हमें आज लगी तो खाना आज ही खाएंगे ना, या इंतजार करेंगे कि हमारी फसल कब पकेगी, कब बोएंगे, कब पटेगी? ये लोग तो बताएंगे कि आप पहले से ज्ञापन दीजिए उसके बाद मीटिंग करिए, तो चूंकि इतना हमारे पास समय नहीं है, चूंकि हमारे रिक्शा चालक जो भुखमरी के कगार पर हैं, उनके परिवार भुखमरी के कगार पर हैं, और अगर जो किसी रिक्शा चालक का परिवार भुखमरी से मरा तो उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी और बस यूनियन की होगी, क्योंकि इनकी वजह से बहुत सारे घरों में चूल्हा नहीं जलने वाला है, क्योंकि ये लोग कल भी गुंडई करेंगे। आप जाकर के देख लीजिए, कम से कम 20-25 लोग अभी भी मौजूदा हालत में बैठे हैं, तो कल जो भी हमारा निर्णय होगा हम लोग बैठ करके करेंगे। जैसा कि ये अजीत कुमार वर्मा हमारे साथ थे, इन्होंने जो बताया जो ई रिक्शा चालकों की समस्या है उसको लेकर कल बैठक करेंगे और बैठक के बाद निर्णय लिया जाएगा कि जो समस्याएं हैं रिक्शा चालकों की
उनको किस स्तर पर उठाया जाए और किस अधिकारियों से मिलकर समस्या का निदान हो। फिलहाल अजीत वर्मा का साफ तौर पर कहना है कि कल बैठक होगी और अगर आवश्यकता पड़ती है तो सोमवार को ये लोग ज्ञापन भी देंगे।